हेलो लर्नर्स माई सेल्फ संजय चौहान जोलॉजी एजुकेटर ऑफलाइन सेंटर अन अकेडमी इंदौर बच्चों आज मैं आपको कुछ ऐसे नीट के क्वेश्चन से रूबरू कराने जा रहा हूँ आपको ऐसे नीट के क्वेश्चन से जानकारी देने जा रहा हूँ जहाँ पर एक क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं या कई तरीके से अलग अलग तरीके से वो आपके नीट में पूछे जा सकते हैं कंसेप्ट एक ही है जिसका कंसेप्ट एक ही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है यहाँ पर चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन पर ले चलता हूँ देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़िए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर टू द लेफ्ट साइड याद है ना आपने गैसेस एक्सचेंज वाला पार्ट पढ़ा है वहां पर आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर पढ़ते हैं और बेटा नीट में 199% परसेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट part से आता है आप भी जानते हैं यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे तो आपको इस पर्टिकुलर पार्ट part से क्वेश्चन मिलेगा और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है लेकिन कई तरीके से पूछा गया है मैं उसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर आप बहुत ध्यानपूर्वक इस साल पढ़ के जाइए इसे विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोशियेशन कर्व टू दैफ्ट साइड आपने डिसोशियेशन कर्व पढ़ा है डिसोशिएशन कर्व में लेफ्ट साइड शिफ्टिंग कर्व की कब होती है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए चलिए यहां पर हम देख लेते हैं अगर आप भूल गए हों यह देखिएगा हमने पढ़ा है जो डिसोशिएशन कर्व है यहां पर हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लेते हैं और हेयर वी टेक द परसेंटेज सेचुरेशन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कितना आपके परसेंटेज हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट होता है तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपके पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बेटा इंक्रीज होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जब भी इंक्रीज होता है तो मोर एंड मोर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है बेटा मोर एंड मोर ऑक्सीमोग्लोबिन इज फॉर्मड इसका मतलब आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो बेटा ये देखिए प्रूफ हो गया एंड द कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट साइड देखिएगा लेफ्ट साइड कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा मोर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इसका मतलब जब भी पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो हमेशा बच्चों आपको याद रखना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा सबसे पहला कंसेप्ट सबसे पहला कंसेप्ट इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि व्हेन देयर इज अ लेफ्ट साइड शिफ्टिंग ऑफ द कर्व इसका मतलब है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है अब मुझे एक चीज बताइएगा ऑक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कब होगा जब आपके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा एफिनिटी शो करेगा मीन्स दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है मोर हीमोग्लोबिन शोज मोर एफिनिटी शोज मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन आपके ऑक्सीजन के लिए अधिक एफिनिटी शो करता है हीमोग्लोबिन तो आपके दो क्वेश्चन देखिए तीन क्वेश्चन एक साथ यहां पर तैयार हैं ऑल द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आर आल्सो सिमिलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन एंड आल्सो सिमिलर फॉर द मोर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन बेटा ये तीनों के तीनों जो फैक्टर्स हैं तीनों के लिए आपके जो फैक्टर्स हैं जो कंडीशन हैं वो सेम होंगी इसलिए चलिए हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोशिएशन कर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड इसका मीनिंग क्या है बच्चों इसका मीनिंग है कि हिमोग्लोबिन की मोर एफिनिटी ऑक्सीमोग्लोबिन के लिए होना और इसी का दूसरा मतलब है बेटा आपके जो कर्व है उसका लेफ्ट साइड शिफ्टिंग का मतलब है मोर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो कौन कौन से फैक्टर पर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो बेटा अभी अभी मैंने कहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इट शुड बी मोर पहला फैक्टर और जब भी बेटा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर सीओ का हमेशा कम होगा और जब भी पार्शियल प्रेशर सी टू का कम होगा बेटा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा ठीक है दूसरा जब भी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा बेटा नेगेटिव लॉगरथीम ऑफ हाइड्रोजन आइन का मतलब होता है पीएच इसका मतलब इसका अपोजिट मतलब पीएच विल भी मोर तो यहां पर हम जरा देख लेते हैं हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो देख लीजिए ये फेवर कर रहा है दूसरा देख लीजिएगा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए यहां पर यह भी फेवर कर रहा है बच्चों ये देखिएगा लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ये देख लीजिए और चौथा ऑप्शन यहां पर एक और आप अगर डालना चाहें इसके साथ तो मैं ऐड कर देता हूं जो बेटा आपके एग्जाम में आ सकता है मोर पीएच एक और ऑप्शन यहां पर डिजिनेट हो सकता है एसिडिटी तो बच्चों जब भी आपके पीएच ज्यादा होता है इसका मतलब एसिडिटी क्या होती है एसिडिटी इज ऑल्सो लेस और मोर आप जानते हैं ना पीएच जब भी बेटा ज्यादा होता है इसका मतलब एसिडिटी कम होती है यस कम होती है है ना और इसका मतलब यहां पर हमारे लिए इस केस में आंसर क्या आ गया ऑल द अब तो हमें यह याद रखना है कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कर्व लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा आपको अंडरस्टूड होना है कि उसमें यह पूछा है कि हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी मोर है ठीक है और ऑक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी होगा जब भी कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा इसी तरीके के नीट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है मैं लाता रहूँगा और हम आपके नीट 2003 की तैयारी में इसी तरीके से लगे रहेंगे थैंक यू सो मच